इंदौर में पटाखे को लेकर ऐसा बवाल हुआ कि कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई, आगजनी हो गई और पथराव भी हो गया। मामला इंदौर के थाना छत्रीपुरा का है। यहाँ पर दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने इतना बड़ा मोड़ ले लिया कि कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, गाड़ियाँ फोड़ दी गई और भीड़ ने पथराव किया। मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची और मामले को कंट्रोल किया। पुलिस के मुताबिक स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और गड़बड़ करने वालों की पुलिस शिनाख्त कर उनकी धरपकड़ कर रही है। मौके पर पुलिस ड्रोन कैमरों से भी निगाह रख रही है। गड़बड़ करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। छत्रीपुरा थाना अंतर्गत रविदासपुरा और टाटपट्टी वाखल की गली है, वहाँ कुछ बच्चे और कुछ लोग पटाखे चला रहे थे और पटाखे चलाने के दौरान ही कुछ आपस में दो अलग अलग समुदाय के जो पड़ोसी हैं, आपस में पड़ोसी भी हैं, उनके बीच में पहले मुँहवाद हुआ, उसके बाद थोड़ा इशू हुआ है। दो तीन पांच घरों के जो लोग बाग इकट्ठे हुए हैं उनके बीच में विवाद हुआ है। किसी दो चार को चोट भी लगी है, उनको हम मेडिकल करवा रहे हैं। पूरे क्षेत्र में हमारा एरिया डोमिनेशन हो गया है, सभी जगह फोर्स लगी हुई है, सभी थाना प्रभारी और हमारे एडिशनल जो SP हैं, मैं स्वयं, पूरे क्षेत्र को हमने एरिया डोमिनेशन में ले लिया है। अभी शांति है, किसी भी तरीके की कोई कहीं पे कोई विवाद की स्थिति नहीं है। और आपके माध्यम से मैं संपूर्ण इंदौर के जो रहवासी हैं सभी से अपील करूंगा कि पूरे जो ये इंसिडेंट हुआ था उसमें बिल्कुल शांति बनी हुई है, किसी भी तरीके की अफवाह पे बिल्कुल ध्यान ना दें, शांति बनाए रखें। प्रशासन लगातार मुस्तैद है और इस बात को अब आगे एस्केलेट नहीं होने दिया जाएगा।